गरीब जनता का हक मारकर अपने बिजनेसमैन दोस्तों का पेट भरना तो कोई केंद्र की मोदी सरकार से सीखे। सत्ता में आते ही कर्नाटक की कांग्रेस सरकार गरीबों के लिए अन्न भाग्य योजना लेकर आई। इसके तहत सरकार प्रदेश के हर गरीब परिवार को 10 किलो चावल देने जा रही थी। ये सब मोदी सरकार से देखा नहीं गया। उसने रातों रात फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एक आदेश जारी कर दिया और कहा कि वो राज्य सरकारों को चावल ना दे, इसके बजाय बिजनेसमैन या निजी कंपनियों को चावल दे। FCI ने भी कर्नाटक सरकार को चावल देने से तुरंत मना कर दिया। अब आप क्रोनोलॉजी को समझिए। FCI ने ई ऑक्शन में 3,86,000 मीट्रिक टन चावल बेचने के लिए बोली आमंत्रित की और ये बिड केवल 170 मीट्रिक टन के लिए रखी गई। इस हिसाब से चावल का औसत बिक्री दाम 3,175 प्रति क्विंटल आया, जबकि ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत कर्नाटक की कांग्रेस सरकार FCI को 3,400 प्रति क्विंटल देने के लिए तैयार थी। आप खुद समझ जाइए कि मोदी सरकार कर्नाटक हार की अपनी खुन्नस निकालने के लिए किस हद तक जा सकती है। वो गरीब लोगों का हक मारने से नहीं हिचक रही, निजी कंपनियों और बिजनेसमैनों से आखिर मोदी सरकार को ऐसा क्या लालच है कि वो गरीब की थाली से खाना छीनने को भी तैयार हो गई। लेकिन हम भी कांग्रेस हैं, हमारी सरकार कहां हार मानने वाली थी। सरकार ने तुरंत इसी भाव से प्रदेश के लोगों के खाते में चावल के पैसे ट्रांसफर कर दिए। बदले की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार की असलियत अब धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। बाकी हम इतना ही कहेंगे, मोदी जी 2024 अभी दूर नहीं है, बस कुछ ही दिनों की बात है, सबका जवाब मिलेगा।